मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी हैं। अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में आपको बहुत गहराई में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस यात्रा के मंतव्य को आप सबके सामने रखा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर 15 नवंबर को झारखंड में रांची में खूंटी उस स्थान से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यह यात्रा लगभग 2.5 लाख पंचायतों से और लगभग 3,600 नगर निगम नगर पार्षद नगर पालिका और नगर पंचायत इन सब से होते हुए ये यात्रा 26 जनवरी से पहले ये यात्रा समाप्त होगी और इन सभी 2.5 लाख पंचायतों में और 3,600 हमारे नगर पंचायतों में नगर निगम में ये यात्रा होकर के आएगी। इसका उद्देश्य अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बताया, इसका उद्देश्य है कि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। जिनको हमने लाभ पहुंचाया है वह लाभ उस तक पहुंचे और लाभ पहुंचने में उसको कोई कठिनाई नहीं आए, इसलिए सरकार उसके द्वार, सरकार उसके पंचायत, सरकार उसके निगम में, सरकार उसके वार्ड में पहुंचकर उसके उसको याद कराए कि यह सुविधा तुमको मिलनी है और तुम इससे वंचित न रह जाओ, इस बात को करने के लिए विकसित संकल्प यात्रा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का नजरिया बड़ा स्पष्ट है कि अगर विकसित भारत की ओर हमको चलना है तो हमारे गांव आबाद होने चाहिए, विकसित होने चाहिए, हमारे प्रदेश में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में युवा आगे अग्रसर बढ़े, इसके लिए हमको चिंता करनी चाहिए, हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो इसकी चिंता करनी चाहिए, हमारे देश में किसान तीव्र गति से आगे बढ़े इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसीलिए ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित भाई, हमारे युवा, हमारे किसान, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। अगर इन सबका सशक्तिकरण होता है तभी देश विकसित होता है, इस संकल्पना को लेकर। और इसलिए ये कोशिश है, यहां मैं देख रहा था कि काउंटर्स लगे हैं और इन काउंटर्स में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन होगा, कहीं आपका स्वास्थ्य का चेकअप होगा, कहीं चेकअप होगा कि आपको ब्लड शुगर है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि ठीक है, आपकी स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। वैसे ही कोई उज्ज्वला से छूट तो नहीं गया है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित तो नहीं रह गया, कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित तो नहीं रह गया है। ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर सबको मिल सके, इस बात की चिंता की जा रही है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब सरकार इस यात्रा के माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गांव, घर घर, पंचायत पंचायत जा रही है, तो हम भी सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। मित्रों, मन में इच्छा होती है इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं, जो मिल जाता है ना उसकी कद्र कम होती है, हमें ध्यान में नहीं जाता।
और इसीलिए मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि उजाले को जानना हो तो पहले अंधेरे को पहचानो, तभी उजाले का महत्व है। तकलीफ को याद रखोगे तभी तुमको समझ में आता है कि मोदी और योगी का मतलब क्या होता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं अपने इलाके से 1993 में सबसे अधिक मतों से जीत करके आने वाला एमएलए था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जब हम आवाज की बात करते थे तो मेरा वीडियो मेरे घर पे आकर या ऑफिस में आके बताता था कि आपको वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो बताता था नड्डा साहब आपको इस बार एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताओ किसको दे। मैं कहता था भाई साहब आप ही रख लो, मैं नहीं बांट। ये अंधेरा मैंने देखा है और आज जब मैं यहां मंच पर खड़ा हूं तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना कर दी। एक एक गांव में, एक एक पंचायत में 20-20, 50-50 आवास योजना के मकान बन रहे हैं। शायद योगी जी मुझे ठीक करें लेकिन यहां भी 57 लाख से ज्यादा, 55.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन रहे हैं। अब ये अंधेरा और उजाले का मैं जब एमएलए बना तो गांव में जाता था तो बूढ़ी हमसे मम्मा पूछती थी आ गया तू, बड़े दिनों बाद मिला, गर्मियों में कहां था। मैंने कहा क्या हुआ दादी बताओ, तो बोलती थी कि ये सर में एक बाल नहीं रहे, घड़े उठा उठा के 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन में घर घर जल, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया। यह अंधेरे और उजाले का है। हाँ, बहुत से एमएलए बैठे हैं, मैं भी एमएलए था। सुबह सुबह हमारे यहां लोग आते थे, जनाब इसकी चिंता करो, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वाल्व लगना है, बाईपास होना है, 5 लाख खर्च होना है, 2 लाख खर्च होना है, 1.5 लाख खर्च होना है, गरीब आदमी है दे नहीं सकता। और हम भी चिट्ठी लिखा करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गरीब है, इसकी तकलीफ है, इसको कुछ नहीं मिलता था, कभी 75,000 मिलता था। हम भी कहते थे अब वो बेचारा क्या करे, जिसको 1.5 लाख खर्च करना है उसको 75,000 मिलेगा, क्या करेगा वो बेचारा, उसकी जीवन नैया ठीक रहेगी, वो जीवन लीला बचेगी, नहीं मालूम था। ये घटनाएं घटी हुई मैं बता रहा हूं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से ये काम करने का मौका मिला और प्रधानमंत्री जी ने कहा नड्डा जी कुछ बड़ा सोचो, देश बड़ा है, हमें बड़ी चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि मुझे 9 महीने के अंदर आयुष्मान भारत दिया गया जिसमें 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 75 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना उनके स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिया। 55 करोड़ लोग, और ये लोग कौन है, रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दिया गया। यह उसकी परिस्थिति की, यह अंतर है, यह अंतर है जिसको हमको समझना है। आप तो सब शहर में रहने वाले, आपको नहीं मालूम ये उज्ज्वला योजना का मतलब क्या होता है। मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं, गांव में बहने 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी,
बोझा उठाती थी, घर लाती थी, उसको सूखने डालती थी और लकड़ियों को लेकर के वो चूल्हा जलाती थी। और हमारे यहाँ उसको फूकनी बोलते हैं, आपके यहाँ भी पता नहीं क्या बोलते हैं, अब तो भूल गए लोग वो फूकनी भी, फूकनी बोलते फूकनी, उससे फूकती थी। 200 सिगरेट का लगभग धुआं दिन भर में लेती थी, आंखों में पानी आ जाता था, तब जाकर के घर में चाय बनती थी, यह परिस्थिति थी। आज 9.5 करोड़ बहनों को लाइटर से, कटक से जलाइए, गैस जलाइए, 5 मिनट में चाय पिलाइए, आधे घंटे में भोजन कराइए, परिवार को सुखी रखिए, यह परिस्थिति आ गई। ये है अंतर जिसको हमको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बोलो राशन की चोरी होती थी कि नहीं होती थी? बोलो होती थी कि नहीं होती थी? और आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि सोसाइटी के अंदर आपको एक ही जवाब मिलता था, चावल आया क्या? नहीं, चावल आया क्या? मैं गांव की बात बोल रहा हूं, हमारे, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, तो पहाड़ में हमारे लोग ऊपर से आवाज लगाते थे, भैया तू कहाँ जा रहा है? तो बोलता था मैं बाजार जा रहा हूं, पता करना चावल आया कि नहीं आया। आज मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने उनके घर में पहुंचाने का काम किया। यह है अंतर, यह है अंतर, यह हमको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बखूबी इसको इंप्लीमेंट करके दिया है, यह भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए सही नेतृत्व का क्या अंतर पड़ता है यह समझो। आज 13.5 करोड़ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वो बोल रही है कि भारत की गरीबी 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, वो ऊपर हो गए, APL में आ गए। ये IMF बोल रही है, IMF बोल रही है कि अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। ये बदलता भारत, ये आगे बढ़ता भारत, ये उजाले की तरफ बढ़ने वाला भारत, ये आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं एक और अपने MLA के दिनों की कहानी सुना दूं। मेरे इलाके में, पहाड़ी इलाके में पैदल चलना पड़ता था, तो मेरे से कई बार पूछते थे लोग कि आप जीप से ऊपर से आएंगे या नीचे से आएंगे, तो मैं उनको बोलता था कहीं से भी आएंगे आगे तो पैदल ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में कोई सड़कें नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने आज उत्तर प्रदेश की, मुझे संख्या नहीं मालूम, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी। बोलिए गांव गांव सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये अंतर आया है। ऐसे ही मेरे को थोड़ा याद आता है इसलिए मैं बताता हूँ, पहले जब शादियां होती थी ना तो बारात जाती थी तो उसकी तैयारी करनी पड़ती थी, कैसे जाएगी, कौन इनका सामान उठाएगा, गांव से गांव कैसे पहुंचेगा, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ऐसे ही होता था, सबके बिस्तरे जाते थे, व्यवस्थाएं जाती थी, और बहुत से व्यवस्थाओं के साथ आप जाते थे। आजकल आप एक दिन में 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हो, गाड़ी को ऐसे स्विच ऑन करते हो और बोलते बस मैं रात को तो घर पहुंचूंगा। 4 शादियां अटेंड करके घर पहुंचते हो, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की देन है, गांव गांव घूम के वापस तुम अपने घर आते हो, ये हमको समझना। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम कार्यकर्ता